नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नगर निगम की टीम ने आज मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी से अतिक्रमण हटाने पर कार्यवाही की, जहां कुछ लोगों ने तो खुद ही अपने अतिक्रमण हटा लिए, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाए थे उनका अतिक्रमण निगम ने जेसीपी की मदद से हटाया। मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी में पिछले काफी दिनों से अतिक्रमण की बात सामने आ रही थी, जहां पर आज निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध भी किया, तो वहीं कई दुकानदारों ने इस बात का समर्थन भी किया। उपायुक्त सुबोध जैन ने बताया कि मंडी में दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर व्यापार व्यवसाय किया जा रहा था, जहां आम नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, इसी के चलते ये कार्यवाही की गई थी। आज ये मक्सी रोड सब्जी मंडी जो मूल रूप से 99 में बनाई थी, हम चाहते हैं कि जिस स्वरूप में बनाई गई है उसी स्वरूप में अपना लोग धंधा करें, तो लोगों को भी सुविधा मिलेगी और बहुत खूबसूरत मंडी करना चाहते हैं हम। इसके लिए सेठ दुकान के बाहर जिन्होंने निकाल दिए हैं उन सबको समझाइश दी है, वो स्वयं निकाल रहे हैं। यदि वो स्वयं थोड़ी देर तक नहीं निकालते तो फिर उनको जबरदस्ती हटाने की कार्रवाई हम करेंगे। भाई साहब, अतिक्रमण के लिए तो जैसे बीच में जो ठेले लगे थे उसके लिए हमको इनने पहले माइक द्वारा सूचित किया गया था, मतलब माइक से इनने गाड़ी में घुमाकर पूरी मंडी में मतलब सूचित किया था कि भाई अतिक्रमण है, इसको आप हटा लीजिए। हम लोगों ने इनको पूरा सपोर्ट किया, इन्होंने हमारा सपोर्ट करके और स्वेच्छा से पूरा अतिक्रमण हटा लिया। पर हम चाहते हैं कि ये हर बार हमारे ऊपर बेवजह कार्रवाई होती है, हमारा पैसा खर्चा करके और इसको बनाते हैं, हर बार नंगली कमाती है और अपने हिसाब से तोड़ जाती है, अपने हिसाब से हमको लोगों कर जाती है। हमारा कहने का मतलब ये, जिस आधार पर 96 में एक डिसीजन हुआ था जबलपुर हाईकोर्ट से, उस आधार पर इन लोगों ने हमको वहाँ से हटाया, पुरानी सब्जी मंडी से। वो व्यवस्था इन लोगों ने बनाई नहीं आज तक। वहाँ जो सब्जी मंडी लग रही जो तिवारी बाजार लग रहा, एक सब्जी मंडी नहीं 18 सब्जी मंडी हो गई इस शहर में। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज आज के साथ।